स्टूडेंट्स, दिस हेतल पंडारी फ्रॉम एचआर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, गुडविल। अब चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट विल कंटिन्यू इन क्लासेस, बिकॉज फाइनल अकाउंट बहुत बड़ा चैप्टर है, इट्स नॉट पॉसिबल टू क्लियर हियर। तो उसका एक भी पॉइंट तुमको इधर क्लियर नहीं होगा, बिकॉज आई नीड अ लार्ज स्पेस टू कवर दैट चैप्टर। ओके, सो मैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, मैं अभी नहीं करवाऊंगी, वो जब भी क्लास खुलेगी तब करवाऊंगी। विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 3, दैट इज गुडविल। अब गुडविल होता क्या है? गुडविल मींस ब्रांड नेम। गुडविल मींस क्या होता है? ब्रांड नेम, मतलब अपन ने मार्केट में अपनी क्या वैल्यू क्रिएट की है। अब सबको पता है कि एप्पल जो है, एप्पल ने अपने मार्केट में बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके रखी है। मतलब किसी को पता है कि एप्पल की चीज अच्छी आती है, भले आईपैड हो, एयरपॉड्स हो, आईफोन हो, तो एप्पल ने अपनी ब्रांड नेम बना दिया। किसी के लिए कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन को अगर एप्पल परचेस करना है तो उसके ऊपर उसके पास बहुत अच्छा कस्टमर बेस है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो क्या करेगा, उसको एप्पल की चीजों की वैल्यू से ज्यादा एप्पल की गुडविल देनी पड़ेगी। गुडविल मतलब क्या होता है, वो चीज नहीं ले रहा, वो सिर्फ नाम ले रहा है ना एप्पल, उसकी जो वैल्यू मार्केट में क्रिएट हुई हुई, उसकी जो गुडविल, बोलते जैसे गुडविल बहुत अच्छी है एरिया में, किधर भी पूछोगे इसका नाम डायरेक्टली हाँ हाँ बोलेंगे। तो उसको बोलते गुडविल, एप्पल की गुडविल बहुत अच्छी है तो लोग लेना प्रीफर करेंगे भले उसकी प्राइस ज्यादा हो, तो उसको बोलते गुडविल। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जो देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। मतलब अपन देख सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते कि एप्पल की कितनी ज्यादा वैल्यू है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड नेम्स है, नोकिया है, अगर चाय पत्ती में देखे तो जीवराज है, काफी चीजें नाम चिन्ह है, मतलब ऐसा वाला होता है ना। इनफैक्ट मतलब ऐसा अपने को सुना होता है कि ना गुडविल क्रिएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल मतलब अपना नाम, 10 में अपना अकेले को अलग से दिखाना, अपना नाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, उसको बोलते गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है? ऑब्वियसली अगर मैं मेरा बिजनेस लेके चल रही हूँ, अभी मुझे मेरा बिजनेस बेचना नहीं है और हो सकता है कभी भी नहीं बेचूं, बट मेरी गुडविल कैसे मैं डिटरमाइन करूंगी कि मेरी मार्केट में गुडविल है? पैसों के टर्म्स में कैसे बताऊंगी मेरी मार्केट में वैल्यू अच्छी है, बट मैं कैसे बताऊंगी कितनी अच्छी है या कितने रुपीज जितनी अच्छी है, क्लियर है। तो ये कैसे होता है, इसके अंदर मेथड्स होते हैं कैसे गुडविल कैलकुलेट करने का। तो उसके अंदर से एक मेथड है एवरेज मेथड। क्या मेथड है? एवरेज मेथड, क्लियर है। अब दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। इस तरीके से 4-5 मेथड्स है गुडविल कैलकुलेट करने के। उसके अंदर सबसे पहली जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो अपन अभी सबसे पहले आज के लेक्चर में सीखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वेटेड एवरेज। ओके, अब एवरेज क्या होता है, बचपन से सीखते हैं मीन। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज, क्लियर है। तो अब मीन क्या, अभी बोलेंगे कि ना इतने साल का एवरेज प्रॉफिट का 2 साल का जो परचेज होगा वो होगा गुडविल। मतलब समझ आया क्या? अगर ऐसा 5 साल के प्रॉफिट उनको दिए होंगे एंड तुमको 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने का, मतलब कि हर साल का जितना भी प्रॉफिट है उनको ऐड करो एंड उसके बाद 5 साल का प्रॉफिट दम, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, मतलब 5, टोटल ऑफ ऑल द इयर्स प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल द इयर्स अपॉन 5, बिकॉज 5 क्यू नंबर ऑफ इयर्स। अब 4 नंबर ऑफ इयर्स के प्रॉफिट दे तो 4 करेंगे, 5 तो 5, 6 तो 6, एवरेज निकालना। एक बार एवरेज निकल गया तो क्वेश्चन में लिखा होगा 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज वैल्यूड 2 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज वैल्यूड 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज वैल्यूड कितना इयर्स एवरेज प्रॉफिट उतना इंटू कर देंगे। अगर 2 बोला है तो 2 इंटू कर देंगे एवरेज प्रॉफिट के साथ, अगर 3 बोला तो 3, 4 बोला हो तो 4। इतना क्लियर है, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। एक बार कैलकुलेशन के हिसाब से सम करेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके जितना इजी चैप्टर पूरे 12 सेनेट में नहीं, इनफैक्ट 11 सेनेट में भी इतना इजी चैप्टर कोई नहीं था। गुडविल सबसे इजी चैप्टर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन 1, चैप्टर 3। इस चैप्टर में थियोरी क्वेश्चंस भी है, मैं एकदम एंड में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा जब ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट इलस्ट्रेशंस के साथ उनका कोई लिंक नहीं है, क्लियर है। ओके, इलस्ट्रेशन फर्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ, 3 इयर्स परचेज बोला है ऑफ
लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, मतलब 5 साल का तुमको प्रॉफिट दिया उसका पहले एवरेज प्रॉफिट ढूंढो, फिर जो भी एवरेज प्रॉफिट आया उसको इंटू 3 करो, बिकॉज 3 years परचेज है. क्लियर है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ नीलेश एंड निकुंज, लास्ट 5 years प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर. क्लियर है? तुमको ईयर्स एंड प्रॉफिट दे दिया होगा. स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3 इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ईयर्स दे दिया है, प्रॉफिट भी दे दिया. क्लियर है? 11, 12, 13, 14, 15, 16. ओके, नाउ 2 लाख क्लियरली है? क्लियर दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा तो एक बार नोटबुक टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये फिगर्स लिखे हुए, मेरी बात पे ध्यान देना कि प्रॉफिट का टोटल करना वैसे क्लियरली विजिबल है पूरा. ठीक है? 2,10,000, 1,90,000, 2,15,000, 2,20,000. ओके, अपन अल्टीमेटली क्या करेंगे, इन सबका टोटल करेंगे. अल्टीमेटली अपन क्या करेंगे, इन सबका टोटल करेंगे. तो इन सबका टोटल कितना आएगा, 10,35,000. तुमको कैलसी पे ही करना है, सेल्फ कैलकुलेशन करोगे तो शायद हो सकता है चांसेस हो मिस्टेक्स होने की. क्लियर है? कैलसी पे ही करना, अभी फिर भी तुम लोग को करना है करो, लेकिन एग्जाम्स में रिस्क मत लेना सेल्फ कैलकुलेशन की, कैलसी पे ही कैलकुलेशन करना. क्लियर है? 10,35,000 मेरा टोटल प्रॉफिट आया. एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. अब टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा, 10,35,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5. नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 5. तो मेरा कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट, 2,07,000. कितना आया मेरा एवरेज प्रॉफिट, 2,07,000 रुपीस. ये आया मेरा एवरेज प्रॉफिट. क्लियर है? ये आया मेरा एवरेज प्रॉफिट. अब गुडविल के लिए क्या बोला, गुडविल की वैल्यू कैसी, अपन को तो मेन गुडविल की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए सब किया. 3 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 3 into एवरेज प्रॉफिट. हो सकता है कि 5 years दिए हुए, नंबर ऑफ ईयर्स 5 दिए हुए इसके अंदर, और उसका प्रॉफिट दिया हुआ, उसके अंदर से अपन को एवरेज प्रॉफिट निकालना है. हो सकता है कि 5 के ऊपर का भी ये इंटू हो सके, जितने ईयर्स दिए हुए एवरेज प्रॉफिट उससे भी ऊपर के नंबर ऑफ ईयर्स की वैल्यू ऑफ गुडविल हो सकती है एवरेज प्रॉफिट की. क्लियर है? ये 3 की जगह 6 भी हो सकता था, वो कुछ भी दे सकते हो, क्वेश्चन में देख के ही अपन को रिलेट करना है. ठीक है? 6,21,000 रुपीस. आ गया क्लियर? ये हो गया गुडविल की वैल्यू. क्या हो गई? गुडविल की वैल्यू. क्लियर है? सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो भी एवरेज प्रॉफिट है उन सब सालों को प्लस किया, उन सब साल के इनकम को प्रॉफिट को अपन ने प्लस किया, एंड उसके बाद उसको नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड किया एंड एवरेज प्रॉफिट निकाला. जैसे एवरेज प्रॉफिट निकाला तो क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 3 into एवरेज प्रॉफिट दैट इज 3 into 2,07,000 दैट इज 6,21,000 इज द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द गुडविल डिटरमाइंड. क्लियर है? एकदम क्लियर है? एक बार देख लो, नेक्स्ट टाइम स्विच कर रही हूं. ओके, इलस्ट्रेशन 2. ठीक है? इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलते हैं, हसु एंड वसु आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. हसु एंड वसु आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. दे कंटेम्पलेट टू चेंज अ पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो फ्रॉम 2:1 to 1:1. देयरफॉर इट इज डिटरमाइंड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल
फ्रॉम अब गुडविल की वैल्यू कब कब डिटरमाइन होती है? यूजुअली है ना, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, नया पार्टनर एड होता है, नया पार्टनर जाता है, कोई भी रीजन से तो गुडविल की वैल्यू डिटरमाइन होती है तब यूजुअली. From the following information, determine the value of the firm's goodwill. As per the agreement of the partnership, the value of the goodwill is to be computed. अब तुम लोग को last दो line को consider करना है. That is, the value of the goodwill is to be computed at 5 years purchase of the average profit. कितना? 5 years purchase of average profit of last 4 years. अभी मैं last exam में क्या बोला कि जितने years के लिए average profit निकलने वाला उससे ज्यादा value भी हो सकती है goodwill की. पॉसिबल है, क्लियर है. इसमें ये क्या, इसमें 4 साल की डेटा दी हुई है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एंड गुडविल परचेज किया 5 into एवरेज प्रॉफिट. क्लियर है. अब 4 साल का डेटा क्या क्या है सम करेंगे. क्वेश्चन अंदर क्लियर मेंशन किया हुआ 4 साल का डेटा. यर्स प्रॉफिट, क्लियर. अब ईयर क्या है, 12, 13, 14, 15, 16. यूजुअली सक्सेसिव ईयर्स ही देते हैं, यूजुअली सक्सेसिव ईयर्स ही देते हैं. 1,20,000 -40,000 एंड 60,000. अब जब भी माइनस है ना तो कैसे भी डायरेक्टली कैसे कैलकुलेशन कर लेगा, 1,00,000 + 1,20,000 - 40 +60, बिकॉज प्लस माइनस माइनस एक्चुअली सबको प्लस ही करते, लेकिन बीच में अगर एक माइनस की वैल्यू आ जाए तो वो माइनस की साइड में जाएगा, बिकॉज प्लस अपन प्लस ही करें लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं. क्लियर है. सो 1,00,000 + 1,20,000 डेट इज 2,20,000 -40 डेट इज 1,80,000 एंड 1,80,000 +60 डेट इज 2,40,000 रुपीज. ठीक है, ओके. ओके, नाउ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. इज इक्वल टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितना है, 4, 4 1 = 4,60,000, 4 6 = 24,000. सो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी, गुडविल इज इक्वल टू 5 into एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 into एवरेज प्रॉफिट कितना, 60,000 इज इक्वल टू रुपीज 3,00,000. सो गुडविल की वैल्यू कितनी है, 3,00,000 रुपीज. गुडविल की वैल्यू कितनी है, 3,00,000 रुपीज. सो सबसे पहले अपन ने क्या किया, प्रॉफिट का एवरेज निकाला. जिसके अंदर माइनस हो तो डायरेक्टली माइनस भी कर दो, बिकॉज प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस होता है. ठीक है, फिर उसको टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स करने के बाद अपना आया 60,000. अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, 5 years ऑफ एवरेज एवरेज प्रॉफिट. तो 5 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो क्या करेंगे, 5 into एवरेज प्रॉफिट दैट इज 5 into 60,000 एंड अल्टीमेट आंसर विल बी 3,00,000 रुपीज. ओके, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में वेटेड एवरेज मेथड है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी. गुड बाय एवरीवन, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.